शोहर के पॉकेट से विदाउट परमिशन उनके पैसा निकाल सकते हैं क्या? और वो अपने यूज के लिए नहीं है, शोहर के यूज के लिए ही थोड़ा थोड़ा निकाल के सेव करके कुछ प्रॉब्लम नया या तो उनका कर्जा देने का है, इसके इस वजह से सेव करके उनके लिए ही देने के लिए रख सकती है क्या बीवी? इसका जवाब यह है, आवाज आ रही है मेरी? जी शेख जी, हाँ, आ रही है। इसका जवाब यह है कि शौहर की इजाजत के बगैर उसके जेब से 1 रुपया भी निकालना हराम है, ये जायज नहीं है। अगर शौहर की इजाजत नहीं है तो आप उसके जेब से कुछ भी नहीं निकाल सकती हैं। और ये बात कहना कि मैं उसके फायदे के लिए कर रही हूं, ये बात कोई दलील और हुज्जत नहीं है। अपना फायदा उसको सोचना है, आप उसके लिए मशवरा दे सकती हैं उसे, और मशवरा देना भी चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे मैनेज करें, आपके ऊपर कर्जा है या आपको फला फला काम करने हैं, आप अपने मामलात को या जो सैलरी आपको मिलती है आप ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे तो आपका फायदा है, ये सारी चीजें आप मशवरा दे सकती हैं। आप चुपके से उसके जेब से कुछ भी नहीं निकाल सकती, हराम है। और ये अपने समाज और मुआहदे के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसको बसा औकात हम छोटी सी चीज समझते हैं। अगर शौहर ने माफ नहीं किया मरने से पहले, तो आपको उसका हिसाब देना होगा कयामत के दिन, तो आप उस दिन से डरिए। दूसरी बात, अगर कोई शौहर ऐसा है जो बखील है, आपको जो वाजिबी खर्चा है वो भी नहीं देता, जाहिर है शौहर के ऊपर वाजिब है कि जो बुनियादी आपकी जरूरतें हैं वो पूरी करें। और बुनियादी जरूरतें जब मैं कहता हूं तो आप ये बात क्लियर समझे कि जरूरत से मुराद शौक नहीं है, शौक दूसरी चीज होती है, जरूरत दूसरी चीज होती है। इंशाल्लाह इस पर हम बहुत तफसील से बात करेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे, मियां बीवी के हकूक पर। तो बहरहाल शौहर के ऊपर वाजिब है कि बीवी की बुनियादी जरूरतें, उसका नानो नफका, खाना पीना, कपड़ा, घर, ये सारी चीजें वो पूरी करे। अगर वो ये नहीं दे रहा है, कहीं कमी और कोताही कर रहा है, तो जितनी कमी कर रहा है उतना बीवी उसके जेब से उसकी इजाजत के बगैर ले सकती है, सिर्फ इसी सूरत में, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी आई, उन्होंने शिकायत किया कि इन अबा सुफियान रजुलुन शकीम, कहा कि अबू सुफियान बहुत बखील आदमी है, वो मुझे इतना माल नहीं देते हैं जो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए काफी हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा खुदी मा यकफी के व वलदके बिल मारूफ, कहा उस उनके जेब से ले लो, कितना ले लो, ये नहीं कहा ले लो, कहा उनके जेब से उतना ले लो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए काफी हो, बिल मारूफ। बिल मारूफ का मतलब उससे ज्यादा नहीं, भलाई के साथ, इंसान के साथ, आपके मुआशरे में जो उर्फ है, जितना आप जैसी औरत का खर्चा होता है उस जैसे हैसियत के शौहर पर उतना आप ले लो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकती। तो कोई भी औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर उसका माल खर्च नहीं कर सकती। और मुझे भरोसा है कि वो माफ भी करेंगे मुझे, नो प्रॉब्लम आपको ये उम्मीद है कि माफ कर देंगे? अगर मुझे किसी आदमी के बारे में उम्मीद हो कि मैं उसके घर में चोरी कर लूंगा तो बाद में मैं माफ करवा लूंगा, तो क्या किस बुनियाद पर मेरा चोरी करना जायज होगा? नहीं जायज, नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, किसी काम का, किसी जुर्म का इकदाम करना ये सोच करके कि बाद में माफी मिल जाएगी, तो क्या उस जुर्म का इकदाम करना है जायज होगा? नहीं जायज होगा। आप क्लियर तौर से अपने शौहर से बात कर लें कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पर्स से निकाल करके जमा करती हूँ, और उसमें से मैं कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी, मैं जो है आपकी भलाई में ही उसको लगाऊंगी, क्या आपकी इजाजत है? अगर वो कहें हाँ इजाजत है, तब कोई मसला नहीं। लेकिन ये सोचना माफ कर देंगे आप करें, तो आप मुसलसल गुनाह के मुर्तकिब हो रही हैं।